Good morning, students. Good morning, students. आज हम क्लास फिफ्थ के थर्ड वीडियो देखेंगे. इस थर्ड वीडियो में हम और ऑर्डर रिलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे. ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स वी एड ऑफ द फॉलोइंग. दो नंबर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स के बीच में कंपेयर बनाया जाता है. कंपेयर बताया जाता है कौन से नंबर बड़े हैं, कौन से नंबर छोटे हैं, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉल है. इनके बारे में जब हम बताते हैं, उसे कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, उन्हें हम ऑर्डर रिलेशन कहते हैं. ऑर्डर रिलेशन के लिए एक एग्जांपल देते हैं. आप लोग अपने फैमिली में देखते हैं कि रिलेशन, आपकी जो फैमिली रिलेशन होती है, वहाँ पे भी आप लोग ऑर्डरिंग बनाते हैं. आपसे कुछ, आपके अगर ब्रदर हो तो ब्रदर कुछ होते हैं एल्डर होते हैं, बड़े होते हैं. कुछ आपसे ब्रदर छोटे होते हैं, भाई जो होते हैं छोटे होते हैं. कुछ आप लोग आपसे बड़े होते हैं, कुछ आपसे छोटे होते हैं. तो वहाँ पे भी आप लोग रिलेशन बनाते हैं ऑर्डरिंग में. वही प्रोसेस यहाँ पे है. यहाँ पे हम नंबर्स में ऑर्डरिंग करते हैं. रिलेशन ऑर्डर्स जो भी हैं नंबर्स में हम बनाते हैं. कुछ एग्जांपल हम देखेंगे. विच इज़ ग्रेटर, 2547680 1 और 6789968. आपको दो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. इन दोनों नंबर्स में आपको ऑर्डरिंग करना है, रिलेशन बनाना है, बताना है कौन से बड़े हैं. कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, नंबर कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद आपको बताना होगा. हर वी हैव टू कंपेयर 2547680 1 एंड 6789968. इन दोनों नंबर का हम कंपेयरिंग करेंगे. क्लियरली हम देख सकते हैं जो नंबर्स हैं 2547680 1, इन नंबर को हम डिजिट पहले काम करेंगे. कंसिस्ट ऑफ एट डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है. वाइल सेकेंड नंबर देखते हैं तो 6789968 है. इसे हम डिजिट काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है. तो कंपेयर वैसे ही डिजिट से ही हमें पता चल गया कि 7 से बड़ा क्या है, 8 है. तो यहाँ पे हम 2 5 7 मतलब नंबर राइट कर दिए हैं. और ये ग्रेटर डैन का सिंबल है. ये क्या है? ग्रेटर डैन है. किससे? इस नंबर से. ये क्या है? बड़ा नंबर है. यानी 2547680 1 जो है 6789868 से बड़ा है. ये हमारी कंपेयर नंबर एक डिजिट से करते हैं. इसके बाद जो होता है, हम प्लेस वैल्यू, प्लेस को देखते हुए भी हम कंपेयर कर सकते हैं. प्लेस को देखते हुए कंपेयर करते हैं. चलिए अब इसे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे.